दोस्तों, लॉकडाउन होने के बाद से इंसानों की जिंदगी बहुत बदल गई है। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान अपने घरों में कैद रहेंगे और जानवर रोड पर बिना किसी भय के चलते दिखेंगे। चीन से आए वायरस ने यकीनन कई देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये भी सच है कि इस वायरस ने हमें बहुत कुछ नया सिखा भी दिया है। आज इस धरती पर सबसे चौड़ में रहने वाला इंसान अपने घरों में जरूर कैद है, लेकिन बाकी जीव जंतु बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज प्रकृति मुस्कुरा रही है, आज नदियों का पानी अचानक ही साफ हो गया है, आज दिन भर पक्षियों की सुरीली आवाज हमारे कानों में आती रहती है। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि दुनिया की कुछ जगहें अब पूरी तरह से बदल गई हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। नंबर वन, दोस्तों ये तस्वीर नेपाल की है। यहाँ भी कोरोना वायरस का कहर है। यहाँ देखिए कैसे एक गैंडा बीच रोड पे मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इसको किसी की परवाह नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई गैंडा इस तरह रोड पे घूमते हुए कभी देख सकता है? लेकिन ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। जैसे ही इस गैंडे को एक इंसान ने देखा, वो घबरा गया, भागने लगा। भाई कोई भी भागेगा, ये जानवर होता ही है इतना खतरनाक। देखिए कैसे ये उस आदमी की तरफ भागा। एक ही झटके में जितने भी लोग सड़क पे इधर उधर घूम रहे थे वो सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए। ये गैंडा तो पुलिस वालों से भी बेहतर निकला भाई। नंबर टू, ये तस्वीर है ओडिशा की। यहाँ की बीचेस पे लॉकडाउन की वजह से कोई आता ही नहीं, सभी बीचेस वैसे ही खाली पड़ी रहती हैं। ऐसे में इस बार ओडिशा की बीचेस पे अद्भुत नजारे देखने को मिले। ये देखिए कैसे लाखों की संख्या में कछुए इस बीच पे अंडा देने के लिए पहुंचे। क्या किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान में भी कभी इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? दोस्तों, इन कछुओं ने गहीरमाता और ऋषिकुल्या में 6 करोड़ के आसपास अंडे दिए। इससे पहले यही समुद्री बीच हजारों सैलानियों से भरे रहा करते थे, लेकिन अब सब कुछ लॉकडाउन की वजह से सूना पड़ा है। और इसी को तो हम कहते हैं द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस लॉकडाउन। इस पे आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर थ्री, दोस्तों आज से तकरीबन 1 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली की सड़कों पे मोर इस तरह से झूमते नजर आएंगे। यहाँ तो पहले सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती थी, लोग चलते रहा करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब दिल्ली की सड़कों पे जानवरों का दबदबा है। यहाँ सुबह शाम पक्षियां शोर मचाती हैं, जोर जोर से चिड़ियों की खूबसूरत आवाज घरों तक आती है। आज दिल्ली के कई लोग जिन्होंने गांव में रहने का सुख कभी प्राप्त नहीं किया, उन्हें दिल्ली में रहकर गांव में रहने का अनुभव मिल रहा है। नीला आसमान, लहलहाते पेड़, ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रकृति की आज जीत हुई है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। नंबर फोर, अब जरा इस तस्वीर को देख लेते हैं। यहां देखिए कैसे ये हिरन रात में टहल रहे हैं, किस तरह इनके मन में अब कोई डर नहीं है। यह नजारा है उत्तराखंड का। 4 हिरन एक साथ एक सोसाइटी में आती हैं और घूमती रहती हैं। ये फुटेज है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहाँ तो दिन में ही एक हिरन कॉलोनी के बीचों बीच घूमती हुई नजर आ रही है, हालांकि जब लोगों ने इसे देखा तो ये भाग गए। नंबर फाइव, सपनों की नगरी मुंबई, जहां जानवर तो छोड़िए इंसानों के लिए भी जगह नहीं थी, वहां आजकल समंदर में अलग ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, एक वन्य अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस वीडियो को अपलोड किया। उन्होंने लिखा था कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे एक साथ बहुत सारे डॉल्फिन्स आ रहे हैं और समुद्र में मस्ती कर रहे हैं। देखिए जरा इस वीडियो को, कैसे डॉल्फिन कूदती हुई नजर आ रही है। ये मुंबई ही है मेरे दोस्त। इस नजारे के बारे में आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर सिक्स, दोस्तों ये वीडियो भी उत्तराखंड से है। इस वीडियो में आप एक साथ कई हिरणों को सड़क पे घूमते हुए देख सकते हैं। देखिए जरा कितना खूबसूरत नजारा है। एक समय था जब यहाँ भी रोड पे सिर्फ गाड़ियां ही नजर आती थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। रोड पे हर तरफ हिरन ही हिरन। नंबर सेवन, ये वीडियो है नोएडा का। जी हाँ, नोएडा का सबसे पॉश एरिया है ये, सेक्टर 18, जहां एक साथ 4 बड़े बड़े मॉल्स हैं, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स हैं इधर, कई बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन आज सब कुछ बंद पड़ा है। तभी तो पुलिस वालों को ये नीलगाय मेन रोड पे घूमती नजर आ गई। ये नजारा ये बताने के लिए काफी है कि इंसानों ने किस तरह से इस धरती पर अपना हक जता रखा था। आज इंसान बंद हैं और जानवर हर जगह घूम रहे हैं। इससे पहले आपने किसी नीलगाय को कब देखा था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर एट, दोस्तों क्या आपने कभी मालाबार सिविट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि इस जानवर को विलुप्त माना जा रहा था। आखिरी बार ये जानवर 1990 में देखा था, यानी कि 29 साल पहले। लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट देखिए कैसे ये जानवर फिर से बाहर आ गया है। ये वीडियो भी भारत के किसी वन्य अधिकारी ने ही डाला है। कैसे ये जानवर रोड पे बेखौफ चल रहा है। केरल का कोझिकोड जिला, जहां वायरस का प्रकोप काफी ज्यादा है, वहां लोग इसकी वजह से अपने घरों में ही रह रहे हैं।
और ऐसे में जानवरों के पास मौका है कि वो जंगलों से बाहर निकलें। नंबर 9, अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इंग्लैंड भी इस महामारी की चपेट में है, लाखों लोग बीमार पड़े हैं और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हों तो सड़कों पर ये जंगली बकरियां घूमने आ गई। जी हाँ दोस्तों, लंदन का नजारा है ये, जहां एक साथ कई सारी बकरियां सड़कों पर आपको घूमती फिरती नजर आएंगे। नंबर 10, ऊद बिलाब भी घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि रहते थे, क्योंकि ये नजारा सिंगापुर का है। देखिए कैसे ये ऊद बिलाब एक साथ झुंड में मौज मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बताएं, सिंगापुर में भी इस वायरस का कहर है। नंबर 11, ईरान के ऊपर इस वायरस का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी की वजह से मारे गए हैं, तभी तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन ये कर्फ्यू पक्षियों और जानवरों के लिए थोड़ी ना है, तभी तो सारे बत्तख एक साथ ईरान के एक एयरपोर्ट को देखने निकल पड़े। हो सकता है इन्हें फ्लाइट देखने का शौक हो, है कि नहीं दोस्तों? अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 12, दोस्तों इस लॉकडाउन का इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि आज के दिन स्पेन के समुद्री तटों पे किलर व्हेल्स तैरती नजर आ रही हैं। जी हाँ, वही व्हेल्स जो कभी समुद्र की गहराई में दिखती थी, आज चारों तरफ सुन सपाटा होने की वजह से कि समुद्री तटों पे आ चुकी हैं। स्पेन ही क्यों, ये फ्रांस की भी तस्वीर देख लीजिए, यहां भी व्हेल्स समुद्र में तैरते नजर आए। नंबर 13, दोस्तों वायरस के कहर से बचने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों में लॉकडाउन लागू है। सड़कों पर वाहन नजर नहीं आते, मॉल्स, मार्केट्स, टूरिस्ट प्लेसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स, सभी चीजें पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। लोग अपने आप को बचाने के लिए और वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घरों में कैद हैं। ऐसे में प्रकृति के अजीबोगरीब नजारे देखने को मिल रहे हैं। आज आसमान इतना साफ हो गया है कि पंजाब के जालंधर से हिमालय का पहाड़ दिखाई देने लग गया है। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। ये सब तब संभव हो पाया है जब सड़कों पे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, सिर्फ जरूरी इक्का दुक्का वाहन ही चल रहे हैं। इनमें एम्बुलेंस और पुलिस की ही गाड़ियां शामिल हैं। दुनिया के कई हिस्सों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कम होने की सूचनाएं भी आ रही हैं। एक तरफ तो लगातार वायरस के नए नए मामले सामने आने के कारण लोगों को अपने जीवन और देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी कम करनी पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर इस वायरस का फायदा उठाते हुए प्रकृति अपनी मरम्मत करती भी नजर आ रही है। वायरस के खतरे की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो ही रही है, साथ साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50 फीसदी ज्यादा साफ नजर आ रही है। हरिद्वार से लेकर पटना तक गंगा जी बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली का नजारा भी बहुत खास रहा है। यहाँ यमुना नदी इतनी गंदी रहती थी कि समझ पाना मुश्किल था कि साफ कैसे किया जाए इसे, लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट देखिए, 21 दिनों में यमुना कितनी साफ नजर आ रही है। यहाँ का पानी अचानक ही नीला दिखने लगा है। दोस्तों ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, कोई नदी में कचरा नहीं फेंक रहा, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है, तो रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। जहां कई सालों से यमुना को साफ करने में साइंस भी असफल रहा, वहीं चंद दिनों में ही नेचर ने काम करके दिखा दिया। इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े तमाम माध्यम बंद रहने के कारण पिछले 21 दिनों में दिल्ली सहित अन्य महानगरों के वायु प्रदूषण के स्तर में 40 से 45 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास के लोगों ने संभवतः पहली बार इतने साफ बादल आसमान में देखे होंगे। ये देखिए कैसे नीले आसमान में सफेद रूई से बादल मदमस्त होकर चले जा रहे हैं। यही तो प्रकृति का नजारा है। दोस्तों ये नजारे सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी अब पोल्यूशन रेट बहुत कम हो गया है। जहां एक समय इटली के वीनस शहर में नदी का पानी कभी साफ साफ दिखाई नहीं देता था, वो आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी के अंदर मछलियों को तैरते हुए देखा जा रहा है, कैसे नदी के पानी के अंदर रंग बिरंगे पेड़ दिख रहे हैं, ये कितना सुंदर नजारा है। एक समय ऐसी नदी में इतने सारे बोट चलते थे कि पानी का रंग काला हो गया था, लेकिन इटली में जैसे ही इस वायरस ने अपना कहर मचाना शुरू किया, वैसे ही इस देश को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। पिछले 2 महीनों से इस देश में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, और शायद यही वजह है कि यहाँ का पानी एकदम नीला हो गया है। यही तो है नेचर की ताकत। अब तो बातें यहां तक होने लगी हैं कि जब एक बार फिर से दुनिया में रौनक लौट आएगी, जब एक बार फिर हम और आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तब भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस लॉकडाउन ने दुनिया को क्या सीख दी। भारत में तो हर साल 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की वकालत भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। दोस्तों नेचर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात अब शायद हम इंसानों को समझ में आ गई है। उम्मीद करते हैं कि इस वायरस के खत्म होने के बाद एक नई दुनिया हमें देखने को मिले।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा।